Hello everyone, in this lecture we have to discuss some numerical which is based on unit number 3 of RCC according to JUT syllabus of 5th semester civil engineering diploma. तो unit 3 में जो numericals आपको exams में पूछे जाते हैं और जो अब तक question आपसे पूछे गए हैं तो इसी पर based आपको question आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसे related कुछ numericals के बारे में discuss करेंगे. तो सबसे पहला इसमें है जिसमें कहा गया है कि कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ आपको कैलकुलेट करना है ऑफ ए बीम हैविंग साइज. एक बीम दिया है जिसका साइज आपको पता है, कैरिंग 3 बार्स ऑफ 16 mm डाया. ठीक है, यहाँ पर M20 एंड Fe415 भी आपको गिवेन है. तो दिए गए डाटा के अनुसार हमको सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा और यह बताना होगा एग्जामिनर को कि क्या इसमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको गिवेन डेटा लिखना होगा. तो गिवन डेटा में हमें क्या क्या है, बीम का विड्थ गिवन है जिसको बी से डिनोट करते हैं. बीम का साइज होता है तो बी इंटू डी के फॉर्म में देता है. ये आपका बी है और दूसरा आपका स्मॉल डी है. ठीक है, तो ये होता है बी इंटू डी के फॉर्म में. यहाँ इफेक्टिव लिखा है. इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताते हैं. तो इफेक्टिव डेप्थ दिया है बीम का जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, एंड एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट जिसको एएसटी से डिनोट किया जाता है, यह 3 बार्स दिया हुआ है. 3 बार से कितना, 16 mm डाया का, तो 3 से मल्टीप्लाई किए हैं. और सर्कुलर डायमीटर हो, सर्कुलर होता है बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसीलिए इसका एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो इस तरह से एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट हमको यहां से मिल जाता है. तो करना क्या है, सबसे पहले स्टेप आपको गिवन डेटा लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद आपको डायग्राम बनाना होगा. तो मानते हैं कि हमारे पास में एक रेक्टेंगल बीम है जिसका साइज आपको दिया हुआ है 300 से 600 का, और इसमें आपको 3 रिइंफोर्समेंट कहा है. 3 रिइंफोर्समेंट है जिसका डायमीटर कितना है, इन तीनों का जो डायमीटर है वो 16 mm है. ठीक है, 16 mm डायमीटर आपको ये बार्स का दिया हुआ है. इस बीम का साइज है बी जो है विड्थ 300 mm, और इफेक्टिव डेप्थ कहने का मतलब है कि इस बीम के टॉप पोर्सन से लेकर के और लगने वाले रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको इफेक्टिव डेप्थ कहा जाता है. और बीम का जो यहाँ से यहाँ तक टॉप पोर्शन से बॉटम पोर्शन का जो डेप्थ होगा उसको टोटल डेप्थ के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल डी के नाम से डिनोट करेंगे, और ये कहलाएगा इफेक्टिव डेप्थ जिसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे. तो बाद बाकी जो बचा हुआ जगह है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग इफेक्टिव कवर. इसको इफेक्टिव कवर के नाम से जाना जाता है. यूनिट 4 में नॉमिनल कवर कहेंगे किसको, तो इस बार्स का जो आउटर साइड से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस, यानी कि इसमें जो आप स्टीरअप लगाएंगे स्टीरअप के बाद का जो डिस्टेंस बचता है इसको नॉमिनल कवर कहा जाता है. तो नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 में, ये भी आपको पढ़ना है नॉमिनल कवर के बारे में क्या है, तो वहाँ पर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे. यहाँ सिर्फ यह ध्यान रखें कि बार्स के बाहर जो आपका डिस्टेंस बचता है उसको कहा जाता है इफेक्टिव कवर. और क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू दिया है तो ठीक है, अदरवाइज हमको खुद से एज्यूम करना होता है, तो आइदर 40 mm यूज करते हैं या फिर 50 mm इसको हम लोग मान लेते हैं. तो ये आपका गिवन डेटा है जो कि आपको बी में दिया हुआ है. एक और चीज़ का है कि आपको M20 Fe415 दिया है. M20 का मतलब है कि आपको FCK यानी कंक्रीट का ग्रेड दिया है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड जो ग्रेड ऑफ स्टील है जिसको हम लोग FY से डिनोट करते हैं ये दिया हुआ है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर का. तो इतना सारा डाटा दिया हुआ है और कहता है कि कैलकुलेट कीजिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने थ्योरी वाले वीडियो में कि यह फॉर्मूला आया कैसे. यह आता है C=T करने के बाद. ठीक है, तो इस फॉर्मूला में देखिए सबका वैल्यू हमारे पास में पता है. FY यहाँ पर दिया हुआ है 415, AST है यहाँ पर 603, 0.36, 0.87 तो ऑलरेडी न्यूमेरिक वैल्यू है. FCK पता है कितना है 20 है, एंड B पता है कितना है 300 है. इन सबकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो हमारे पास में आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, वो आता है 100.79 mm. यूनिट जरूर साथ लिखेंगे चूंकि यह डेप्थ है और सारा वैल्यू mm में रखे हैं, तो इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा आपका mm. तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का एकमात्र यही फॉर्मूला है LSM में, और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहेगा तो वो हो जाता है एक्सिव लिमिटेड, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील चेंज होते रहता है. तो ये थे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पूछा जा सकता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा.
चार नंबर में आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे और भी ज्यादा क्लियर होंगे। इसमें कहता है कैलकुलेट एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। यहाँ पर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला किसके लिए, तो बैलेंस सेक्शन की बात किया। देखिए ये वर्ड यहाँ यूज किया है बैलेंस सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। बैलेंस सेक्शन वर्ड यूज किया मतलब हमको इसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। बीम का साइज वही गिवन है एंड M25Fe415 का है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा, बीम कितना दिया है 250 एंड डेप्थ दिया हुआ है 650, तो एक बीम बना लेंगे। इसमें मान लेते हैं कुछ रिइंफोर्समेंट है, अभी हम क्लियर नहीं है कि कितना रिइंफोर्समेंट होगा, कितना डायमीटर का होगा, बस मान लिए कि यहाँ पर रिइंफोर्समेंट होता है और सिंगली ही होगा ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, डब्ली सिंगली आपको अभी नहीं समझ में आएगा, डब्ली जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तब आपको बताएंगे कि सिंगली और डब्ली में क्या डिफरेंसेज हैं। तो मान लेते हैं कि ये सिंगली है और कुछ यहाँ पर इन्फोर्समेंट लगा है जिसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। इस बीम का आपको साइज दिया हुआ है एंड इसका इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है। यहाँ भी क्या कहा M25Fe415, तो M25 का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू दे रखा है, तो FCK दिया हुआ है 25 न्यूटन पर mm² एंड FY दे रखा है 415 न्यूटन पर mm² का। अब यहाँ से कहता है कि बैलेंस सेक्शन के लिए, देखिए बैलेंस सेक्शन में हमने क्या बताया कि जब आपको हमने इसका थ्योरियल वीडियो बता रहे थे तो उसमें बताया है कि बैलेंस सेक्शन वह सेक्शन होता है जिसमें कि एरिया ऑफ, जिसमें स्ट्रेन कंक्रीट में स्ट्रेन उसी मात्रा में रहे जितना हमें रिक्वायर्ड है और स्ट्रेन जो है स्टील में वो भी उसी मात्रा में रहे जितना रिक्वायर्ड है, तो इस केस को कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। यानी कि यहाँ सी और टी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा इन द लिमिटिंग कंडीशन एंड डेप्थ ऑफ लिमिट न्यूट्रल एक्सिस आपका नॉर्मल कंडीशन, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वेट होंगे। कहने का मतलब इस केस में आपका एक्सयू लिमिटेड बराबर हो जाएगा एक्सयू का। तो एक्सयू लिमिटेड का फॉर्मूला जो आप बैलेंस केस में आता था 0.48D, 0.53D, 0.46D, 250 के लिए, 415 के लिए, 500 के लिए, तो ये फॉर्मूला आपको इक्वेट करना होगा एक्सयू का जो अभी हम लोग प्रीवियस में फॉर्मूला में यूज किए हैं, वहां से चीजों को इक्वेट करना होगा। तो इस तरह से हम चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहां से देखना होगा कि आपके लिए एक्सयू की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एक्सयू की जगह हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सयू लिमिटेड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहां पर हमको चीजें कैलकुलेट करनी किसके लिए, बैलेंस के लिए, और बैलेंस केस में हम लोग जो यूज करते हैं वो लिमिटिंग कंडीशन यूज करते हैं। तो 0.48 यूज करते हैं Fe 415 के केस में। जब आपका Fe 250 का केस होता है तब यूज करेंगे हम लोग 0.53D एंड जब आपका Fe 500 का केस होगा तब ये यूज करेंगे 0.46D। थ्योरियल वीडियो में हमने बता रखा है, आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो आप एक बार जरूर उसको जाके देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो D का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है 650 mm, और D की वैल्यू जब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू मिल जाती है 312 mm का। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट। एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो इसमें इक्वेट करेंगे हम लोग टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करेंगे, और यहाँ से जो एक्सयू का फॉर्मूला होता है, एक्सयू का फॉर्मूला जो इसी में हम लोग इक्वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर एएचटी हमको यहाँ पर है, तो सारा वैल्यू को यूज करेंगे, यहाँ एक्सयू को एक्सयू लिमिटेड के बराबर रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिटेड क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बैलेंस सेक्शन के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर एक्सयू जितना है उसके बराबर में एक्सयू लिमिटेड का वैल्यू पुट करेंगे और जितना आपका यहाँ का वैल्यू उसको हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए 0.87 न्यूमेरिक वैल्यू था, FY की जगह 415 हमने पुट किया, ST हमें कैलकुलेट करना है तो इसको एज इट इज हमने रहने दिया। 0.36 ऑलरेडी न्यूमेरिक वैल्यू है, 25 यहाँ पर FCK की वैल्यू देखिए 25 दे रखा है एंड B की वैल्यू ऑलरेडी 250 है। इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, एक्सयू लिमिटेड से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया किसका, एक्सयू लिमिटेड का, और यहाँ से जब हम सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यहाँ से ST की वैल्यू मिल गया हमको कितना, 1944.32 mm². ये आ गया जो कि आपको क्वेश्चन में कहा है कि एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट आप निकालिए, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना आंसर आपने आपका आंसर इतना आ गया। लेकिन इसके बाद भी आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, क्या करना होगा कि इतना तो एरिया आपने निकाल दिया, अब आपको बताना होगा कितने नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर लगेंगे और उसका डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए, लेट अस एज्यूम, आप मान लीजिए कि जो डायमीटर आप प्रोवाइड करेंगे वह 20 mm का होगा। ठीक है, आप 20 mm का डायमीटर बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए डिजाइनिंग सबका डिफरेंट हो सकता है, इस जगह पर अगर कोई 16 mm एज्यूम करता है
वो भी सही है, 12 mm को ये जूम करता है वो भी सही है, गलत नहीं होगा। ये होगा नंबर ऑफ बार्स ज्यादा हो जाएंगे। तो एक बार का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ वन बार्स। यहां से जब नंबर निकालना होगा तो एरिया ऑफ वन बार, वन बार का एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई फोर डी स्क्वायर के जगह पे 20 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आता है 314 mm स्क्वायर का। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ बार निकालेंगे, नंबर ऑफ बार्स जितना टोटल एरिया है 1944 डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन बार 314 कर देंगे, और यहाँ से जितना वैल्यू आएगा, हो सकता है कि 3-6 का 18 लगभग 6 के आसपास में आना चाहिए ये रिजल्ट, तो जितना आएगा उतना नंबर ऑफ बार यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आप कितना डायमीटर निकालिए और नंबरिंग बताइए, लेकिन आप अगर ये एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं तो एग्जामिनर के नज़र में ये होगा कि आपको चीज़ें पता हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन बीम। देखिए यहाँ पर ना एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट पूछा, ना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा, यहाँ कहा है कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिए। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला हम लोग वहाँ पर एनालिसिस में पढ़े थे उसका यूज करेंगे। यहाँ बीम का साइज दिया हुआ है एंड एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट भी दे रखा है, और तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको गिवन डेटा लिखना होगा क्या क्या हमें दे रखा है। तो इसके लिए जो भी डेटा था हमने यहाँ पर लिख दिया और एक बीम ड्रॉ किए जिसके अकॉर्डिंग जो गिवन डेटा है जिसमें रिइंफोर्समेंट है 3 बार्स है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 कितना है 20 डाया का, 3 बार्स है 20 डाया का, बीम का साइज है 250 × 550 mm का, और क्या गिवन है हमको, तो m 20 है एंड Fe 4 on 5, तो FCK ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड FY हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। अब हमें क्या करना है इसका, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, तो उसके लिए आपको निकालना होगा आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल के यह चेक करना होगा कि कौन सा कंडीशन भी है, एंड देन हम लोग अप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए। तो जैसा कि जानते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU का फॉर्मूला होता है, जितना वैल्यू है उस सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, और सेकंड में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकालेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे कि अंडर इनफोर्स है कि ओवर इनफोर्स है कि हमारा बैलेंस केस है, और उसके बाद हम लोग MOR निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर FY है 415, AST आपको दे रखा है 0.36 पता है, FCK पता है एंड B भी पता है, तो सारा वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया और इसका जो सॉल्व किए 188.94 mm इसका आंसर आता है, एंड जब लिमिटिंग के लिए हमने इसको वैल्यू को पुट किया तो ये वैल्यू आ गया 264 mm का। मतलब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि XU लेस देन आता है XU लिमिटेड का, मतलब क्या है ये, हैंस इट इज अंडर रिइंफोर्स्ड कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन है, अंडर इनफोर्स कंडीशन है, तो यहाँ एक लाइन हमको इसको लिखना पड़ेगा, हैंस इट इज अंडर इनफोर्स केस, अंडर इनफोर्स कंडीशन है, अंडर इनफोर्स बीम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग MOR का फॉर्मूला लगाएंगे। MOR का फॉर्मूला होता है सी इंटू लीवर आर्म, तो यहाँ से इतनी वैल्यू आती है सी की और ये वैल्यू है आपका लीवर आर्म का, डी माइनस 0.42 XU। यहाँ भी 0.36 न्यूमेरिक वैल्यू है, FCK का वैल्यू 20 दे रखा है। XU हमेशा दोनों में से जब भी आप MOR निकाले, चाहे लिमिटिंग केस का हो चाहे जो भी आप निकालें MOR, तो हमेशा दोनों में जो कम होता है उसी वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, दो वैल्यू आप निकालेंगे हमेशा और दोनों में जो कम होगा उसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। तो XU क्या रखेंगे यहाँ पर, 188.94 रखेंगे, B के वैल्यू 250 दिया हुआ है, D आपको पता है 550, एंड अगेन 0.42 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है एंड XU ऑलरेडी आपको पता है। इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट किए, जैसा कि जो जो डाटा आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग पुट किए और इसको सॉल्व किए, तो ये वैल्यू आपको मिल गया जो कि न्यूटन mm में होगा। यूनिट मैं बार बार बोलता हूँ, यूनिट आपको जरूर लिखना होगा, क्योंकि यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर ऐसे ही चला जाता है। अब ये वैल्यू है न्यूटन mm में, तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, इसको छोटा करते हैं, तो न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलते हैं, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, और mm को मीटर में बदलते हैं, तो उसके लिए 1000 से और डिवाइड करना होगा, यानी कि 10^6 से डिवाइड करना होगा। तो लास्ट से 6 अंक गिन के हम लोग क्या करेंगे, उसको डॉट लगा देंगे, यानी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 अंक गिन के यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू बना वो आ जाता है 160.067 किलो न्यूटन मीटर का। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे और भी ज़्यादा और क्लियर हो। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक बीम है, इफ़ ए बीम हैविंग साइज 350 mm × 750 mm, बीम का साइज दिया हुआ है, 3 bars कैरी करता है, और उसके बाद कहता है कि सेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। हाँ, सेक्शन आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको कहा है कि बैलेंस कैसा है, कि अंडर इन्फोर्स है कि ओवर इन्फोर्स है, यह पता लगाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले गिवन डेटा, आपको क्या क्या गिवन है, और यहाँ पर एज्यूम का है, सूटेबल डेटा को एज्यूम करने के लिए यहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड, स्टील का ग्रेड दोनों ही नहीं दिया, तो आपको मानने के लिए कह दिया है। आप हो सकता है कि M20 मानेंगे वो भी सही है, M25 मानेंगे वो भी सही है, M30 मान लेंगे वो भी सही है। तो डिजाइनिंग डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वो डिफर करता है। तो यहाँ पर जो लोग जैसा वैल्यू मानेंगे वो सबका सही है, किसी का गलत नहीं होगा। तो कंक्रीट का ग्रेड भी मानना होगा, स्टील का ग्रेड भी आपको मानना होगा, जैसा मानेंगे रिजल्ट वेरी कर सकता है। तो जैसा है एक बीम हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, और बीम में जैसा कहा 3 bars 20 डाया का, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 320 डाया का आपका बार से यहाँ पर बीम का जो साइज है वो साइज रहेगा, एंड जो डेप्थ है वो डेप्थ आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। 350 × 750 है, सॉरी यहाँ पर ये 750 होगा, 700 लिखा हुआ है, 750 होगा, और नहीं तो छोड़िए 700 पर ही बना दीजिए इसको, जब 700 पे लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पर करेक्शन नहीं हो पाया, तो इसी को आप 700 मान लीजिए, 750 के जगह पर आप 700 मान लीजिए। ठीक है, 350 और 700 में आपको दे रखा है। तो इसके लिए आपको निकालना है कि सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले XU निकालेंगे एंड देन XU लिमिटेड निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। देखिए सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। तो सारा वैल्यू हमने पुट किया, 0.87 न्यूमेरिक वैल्यू है, FY 415, AHT 942 है, और FCK आपको देखिए, FY हमने यहाँ पर माना हुआ है, क्या FY माना हुआ है 415 न्यूटन पर mm² का। अगर FE 250 भी मानते हैं तो इससे सही है, लेकिन अवॉइड करते हैं जनरली, हम लोग कंस्ट्रक्शन केस में FE 250 को जनरली अवॉइड करते हैं। और यहाँ पर M20 माने हुए हैं, M20 यानी FCK की वैल्यू एज्यूम किए हुए कितना, 20 न्यूटन पर mm² का, ये हमारा एज्यूम है, एज्यूम डेटा, ठीक है, इसको हमने माना हुआ है। आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसा मानेंगे यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आया ये 188.94 mm का आया, और प्रीवियस डेटा के लगभग सेम ही है। इसी तरह से लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए भी हम लोग निकालेंगे, और वैल्यू उसको पुट किए, और पुट करने के बाद हम देखते हैं 336 आता है। ठीक है, अब क्या देखें, अब देखें क्या XU लिमिटेड ग्रेटर देन है XU से, क्या हो गया मतलब, ये हैंस इट इज अंडर रिइंफोर्स्ड बीम। ये कैसा बीम है, तो अंडर रिइंफोर्स बीम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर XU छोटा आया है XU लिमिटेड से। 3 केस के बारे में हम आपको बताए होंगे, XU लिमिटेड जब XU के बराबर होता है तो बैलेंस केस होता है, जब XU लिमिटेड ग्रेटर हो जाए XU से तब ये होता है अंडर इन्फोर्स का केस, और जब ये ग्रेटर हो जाए तब ये होता है ओवर इन्फोर्स का केस। इसको इस टर्म में भी लिखते हैं, या फिर आप XU को लिख सकते हैं, XU बराबर XU लिमिटेड अगर है तब बैलेंस केस में है, XU लेस देन हो जाए XU लिमिटेड से अंडर इन्फोर्स का केस बनेगा, और ग्रेटर देन हो जाए XU लिमिटेड से तभी ओवर इन्फोर्स का केस बनता है। ये ओवर हो जाता है, ये अंडर इन्फोर्स का केस बनता है, यहाँ भी ये अंडर इन्फोर्स का केस बनेगा एंड ये ओवर इन्फोर्स का केस बनेगा। तो अंडर क्या है, ओवर क्या, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए ताकि ये हमेशा आपको पूछता है। तो इसमें कहा था कि आप आइडेंटिफाई करें सेक्शन को, कौन सा सेक्शन होगा, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को बता सकते हैं कि वैल्यू कैलकुलेट किए, और यहां से इसको कंपेयर करके बताएंगे कि ये कौन सा केस बनेगा। बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेन कैलकुलेट करने के लिए कहा, फिर से बैलेंस सेक्शन में कहा कि बैलेंस सेक्शन में आप MOR निकालिए, जिसमें आपको बीम साइज दिया हुआ है और एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट भी आपको पता है एंड ग्रेड भी पता है। तो ये है इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपको पहले लिख लेना होगा क्या क्या आपको डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो बीम है, डेप्थ और एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट आपको जो पता है आपने यहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद एक बीम ड्रॉ करेंगे और इसमें रिइंफोर्समेंट को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद बीम साइज जो भी आपको गिवन है, और हमारे पास में गिवन डेटा एक और है, FCK दिया हुआ है
20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड एफवाई दिया हुआ है 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। इसके बाद हमको सॉल्व करना होगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में XU भी आता है, तो सबसे पहले हमको XU के लिए कैलकुलेशन करना होगा। और ऑलरेडी कहा है बैलेंस सेक्शन के लिए वर्ड यूज किया है, तो आपको XU निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप XU लिमिटेड निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ से XU लिमिटेड निकालेंगे और लिमिटेड निकालने के बाद आप ये वैल्यू को यूज कर सकते हैं। 550 रख के तो आएगा 264। इसको दो तरीका है बनाने का, पहला तरीका तो यह है जिससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए बैलेंस केस में हमने इसको XU लिमिटेड निकाल लिया। अब जो आपका MOR का फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूला में XU के जगह पर XU लिमिटेड पुट कर दीजिए और सारा वैल्यू एज इट इज आपको पुट कर देना है, जो भी आपको पता है। FCK पता है कितना है, 20 है, XU लिमिटेड 264 है, D की वैल्यू है 550, XU लिमिटेड अगेन है 264.42 ऑलरेडी आपका न्यूमेरिक वैल्यू है। जब इसको सॉल्व किए तो अगेन आपका इतने वैल्यू मिला, अगेन न्यूटन MM में आता है। इसको किलो न्यूटन मीटर में बदलने के लिए, चूंकि लार्ज वैल्यू दिख रहा है, इसको छोटा वैल्यू करने के लिए लास्ट से छः अंक गिन के हम इसको डॉट लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आ जाएगा 201.14 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया पहला तरीका। जब भी आपको लिमिटिंग केस में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि MU लिमिटेड निकालना होगा, तब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में तीन फॉर्मूला हम बता देते हैं, 0.148 FCK BD स्क्वायर, 0.138 FCK BD स्क्वायर, आई थिंक 138 होता है, एंड 0.133 लास्ट में 133 होता है FCK BD स्क्वायर। पहला वाला केस आपको यूज करना है FE 250 के केस में, दूसरा वाला यूज करना है FE 415 केस में, और तीसरा वाला यूज करना है FE 500 के केस में। ये कौन सा केस है, 415 का केस है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यानी कि इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, MU लिमिटेड इज इक्वल टू 0.138 FCK BD स्क्वायर। यकीन मानिए कि आपका जो ये आंसर आएगा और आपका ये आंसर दोनों ही एज इट इज सेम आना चाहिए, एज इट इज सेम हो बहु सेम होगा, क्योंकि दोनों ही सेम केस है। लिमिटिंग केस का यहाँ भी वैल्यू को पुट किया, तो ये भी वही से ये रिजल्ट निकल के आया हुआ है। या तो आप यहाँ से जा सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप करके, और या फिर आइए आप तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी यूज कर सकते हैं जब आपको बैलेंस सेक्शन में कहा हो, बैलेंस सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर निकालने के लिए कहा हो तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपको यूनिट 3 से रिलेटेड थे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से, एंड सेक्शन का आइडेंटिफिकेशन से कि अंडर इनफोर्स ओवर इनफोर्स बैलेंस केस में है। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे जाते हैं, और इस पार्टिकुलर टॉपिक से उम्मीद करते हैं कि फाइनल एग्जाम में आपको मिनिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर, या हमारे हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे जो फ़ोन नंबर है उस पर, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ में। थैंक यू।